बिहार में अब टीईटी की परीक्षा होगी या नहीं। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। कल एक शिक्षा विभाग के लेटर ने हड़कंप मचा दिया। जिस लेटर में लिखा गया था कि बिहार में अब टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जरूरत नहीं है, सीटीईटी पास अभ्यर्थी ही शिक्षक बनेंगे। सीटीईटी यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, इस पर बवाल खड़ा हो गया। दरअसल लेटर शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया था, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि बिहार में टेट की जरूरत नहीं है और सीटीईटी पास ही अभ्यर्थी अब शिक्षक बन सकेंगे। बवाल खड़ा हो गया। दरअसल टेट और सीटेट में काफी अंतर है। बीटेट जो है बिहार के परिपेक्ष में ये परीक्षा ली जाती है और बिहार के की जो पढ़ाई होती है उस सिलेबस पर आधारित होता है ये, और बिहार की स्थानीय भाषाओं को भी इसमें जोड़ा जाता है। वहीं इसके विपरीत सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में सीबीएसई बेस्ड परीक्षा होती है, सीबीएसई का कोर्स का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें स्थानीय भाषाएं जो बिहार की हैं उसे शामिल नहीं किया जाता है। तो ऐसे में बवाल खड़ा होना तो तय था इस लेटर के जरिए, और शिक्षा के जो शिक्षा विभाग के जो से जुड़े जो शिक्षक संघ हैं, शिक्षकों से जुड़े हुए, उन्होंने इस पर विरोध भी जताया। साफ तौर पर कहा कि जो टेट अगर नहीं लिया जाएगा तो इससे बिहार के अभ्यर्थियों को नुकसान होगा, शिक्षक वो नहीं बन पाएंगे। सीटेट का जो लेवल है और बीटेट का लेवल काफ़ी अंतर है। तो ये तमाम चीज़ें सामने आने लगी। इस बीच आज बिहार सरकार की सफाई आ गई है, शिक्षा मंत्री की सफाई आ गई है। नीतीश बाबू के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी सफाई दे रहे हैं इस मसले पर, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए पहले आप। उसकी रिपोर्टिंग हुई है उससे एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। सही स्थिति यही है कि राज्य सरकार में कोई राज्य स्तर से कराई जाने वाली पात्रता परीक्षा को बंद नहीं किया है और ना ही उस पर रोक लगाई है। अभी सब लोग जानते हैं कि छठे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो रही है और सातवें चरण की भी नियुक्ति हेतु दबाव जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है और जो सरकार और विभाग के समझ से भी वाजिब है। जी, क्योंकि बहुत सारे रिक्तियां बहुत कई वर्षों से खाली पड़ी हैं और हमारे योग्य अभ्यर्थी जो चाहे सीटीईटी हो या बीटीईटी हो क्वालिफाई करके कई वर्षों से इंतज़ार में हैं। तो हम लोग अभी प्राथमिकता के आधार पर छठे चरण की नियुक्ति पूरी करके सातवें चरण की नियुक्ति तत्काल प्रारंभ करना चाहते हैं, उसका शेड्यूल जारी करना चाहते हैं। इसी बीच ये निर्णय हुआ कि अगर इस बीच में हम लोग फिर राज्य स्तर से कोई पात्रता परीक्षा आयोजित करते हैं इस बीच में, तो फिर उसके परीक्षा आयोजित करने से लेके उसके नतीजे घोषित होने तक फिर ये नियुक्तियां विलंबित हो जाएंगी, आगे बढ़ जाएंगी। और चूंकि योग्य छात्र या योग्य अभ्यर्थी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं इनकी संख्या जो उपलब्ध रिक्तियां हैं उसके कई गुना अभी वो लोग उपलब्ध हैं, इसलिए हमारे पास योग्य अभ्यर्थी भी उपलब्ध हैं और रिक्तियां भी कई वर्षों से पड़ी हुई हैं। तो सुन लिया आपने कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, भ्रम की स्थिति फैलाई गई है। उनका कहना है कि शिक्षक बहाली के सातवें चरण के पहले टीईटी की परीक्षा नहीं होगी, साफ तौर पर उन्होंने कहा। फिर से एक बार बताएं, उन्होंने साफ कहा कि बिहार में सातवें चरण के शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया के पहले टेट की परीक्षा नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि टेट नहीं होगा बिहार में, साफ स्थिति स्पष्ट कर दी उन्होंने। उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी
जिस तरह से बहाली होनी है उसके लिए टेट या सीटेट के पास जो है अभ्यर्थी काफ़ी हैं, टेट और सीटेट पास। ऐसे में सातवें चरण की बहाली के पहले बीटेट की परीक्षा नहीं होगी। तो ये उन्होंने एश्योर किया कि ऐसी कोई बात नहीं है कि भविष्य में बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होगी। तो तमाम सस्पेंस खत्म हो गए। हालांकि आपको बताया कि बिहार सरकार अब जिस तरह से सातवें चरण की परीक्षा की माफ कीजिएगा सातवें चरण में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, ऐसे में ये बात उठने लगी थी कि टेट की परीक्षा ली जाए उसके पहले, और इस संबंध में ही जो आदेश जारी किया गया उसी से भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी। इसमें कहा गया था कि बिहार में, दरअसल ये जो शिक्षा विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किया गया था, जो लेटर जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि वर्तमान परिदृश्य में टीटी परीक्षा की जरूरत नहीं है और केंद्र सरकार की ओर से हर साल ली जाने वाली से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट परीक्षा ही पास करनी होगी। तो शब्द कुछ ऐसे थे कि इसका अर्थ तो यही बैठता है कि बिहार में टीटी की परीक्षा नहीं होगी। लेकिन अब मंत्री जी ने खुद सफाई दे दी है। नीतीश बाबू के मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि सातवें चरण की शिक्षक बहाली के पहले बीटेट नहीं होगा, बाकी भविष्य में जैसी जरूरत होगी परीक्षाएं होती रहेंगी। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।